पवन सिंह के लिए प्रचार करने गए थे, पवन सिंह हार गए हैं, इस पर आपकी क्या रिएक्शन है? तो जिंदगी में एक बात पता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मतलब बाजीगर हो गए हैं। पवन सिंह हारे नहीं है, पवन सिंह जीत जीत है। कोई जरूरी थोड़ी है कि सबकी पहली फिल्म सिल्वर जुबली हो जाती है, कोई जरूरी नहीं। आदमी कहीं ना कहीं सीखता है, एक रास्ता उन्होंने अपने जीवन से हटके दूसरे रास्ते में गए तो वहां पे उस रास्ते के बारे में उनको पता नहीं। उसके बावजूद भी लोगों ने करा करके जनता ने मोहन भैया को इतना प्यार दिया है, कम नहीं है। कोई निर्दलीय आदमी 275,000 वोट लाए, खेला नहीं है। और लोगों के बीच में जो आदमी एसी में रहता है वो पूरे दिन लोग धूप में मर रहा है, लोगों से मिल रहा है, ये अनुभव उनको कहीं ना कहीं और बड़ा बनाएगा। और रास्ता भी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि इस बार के चुनाव के बाद एकदम डी एंड हो गया, इसके बाद चुनावे नहीं होगा। अगली बार मेरा भाई आएगा तो शेर की तरह दहाड़ की चुके। आपके दो भाई जीत चुके हैं, रवि जी और मनोज जी, दो भाई। दोनों भाइयों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना, और वो जल्दी से मंत्री बने और बिहार को विशेष दर्जा का, विशेष राज्य का दर्जा दें, विशेष राज्य का दर्जा दिलाए और बिहार में थोड़ा सा कुछ रोजगार दिलाए, ताकि हम जो भटक रहे हैं इधर उधर वो रोजगार और सिनेमा हॉल थिएटर को बढ़वाइए। आप लोग छोड़ के चले गए, हमें फंसा गए। कम से कम थिएटर बढ़ाइए, सिनेमा हॉल बढ़ाइए, ताकि लोगों का रोजगार बढ़े। तो मैं दोनों भाइयों से यही अपील करूंगा कि आप लोग प्लीज इस पे ध्यान दें। थैंक यू सो मच। अब आपको प्रतिक्रिया पूछना है बाकी लोगों से, हमसे नहीं। केसरी भाई रंगदे बसंती के लिए ऑडियंस को, ऑडियंस